देश में सियासी संग्राम छिड़ा हुआ है। 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले सभी राजनीतिक दल मैदान में अपने अपने धुरंधरों को उतार चुके हैं, तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता को अयोग्य ठहराने के बाद कांग्रेस समेत कई विपक्षी दल खफा हैं और बीजेपी पर जमकर निशाना साध रहे हैं। राहुल गांधी की सदस्यता जाने के बाद 24 मार्च को कांग्रेस मुख्यालय में एक बैठक हुई। इस बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी, राज्य के प्रदेश अध्यक्ष समेत तमाम वरिष्ठ नेता और पदाधिकारी उपस्थित रहे। इस मीटिंग के बारे में जानकारी देते हुए कांग्रेस के मीडिया विभाग के प्रमुख जयराम रमेश ने प्रेस वार्ता की और बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा, मैं गृह मंत्री का शब्द इस्तेमाल करना चाहता हूँ, जरा उनकी क्रोनोलॉजी समझिए। मैं गृह मंत्री का शब्द इस्तेमाल करना चाहता हूं, जरा क्रोनोलॉजी समझिए, जरा क्रोनोलॉजी समझिए। ये हमारे गृह मंत्री के शब्द हैं और उसी शब्दों के साथ मैं आपको कहना चाहता हूं, देश को कहना चाहता हूं, क्रोनोलॉजी समझिए। फरवरी 7 को राहुल गांधी जी की भाषण होती है लोकसभा में। 9 दिन बाद यानी कि 16 फरवरी को जो कंप्लेनेंट है, जिसने शिकायत की थी इस भाषण के बारे में, जिसने आपत्ति जताई थी, मानहानि का केस दर्ज किया था, वो जो हाई कोर्ट, गुजरात हाई कोर्ट में उन्होंने ही स्टे लिया था, वो स्टे उन्होंने वापस ले ली। कानूनी इतिहास में अजीब दास्तान है ये। उन्होंने अपनी ही कंप्लेंट के बारे में स्टे लगाई थी, गुजरात हाई कोर्ट से स्टे मांगी थी, गुजरात हाई कोर्ट ने स्टे दिया, पर राहुल गांधी जी के अडानी के भाषण 9 दिन बाद उन्होंने वो स्टे वापस ले ली। 9 दिन बाद बीजेपी पर निशाना साधते हुए कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने बीजेपी की क्रोनोलॉजी समझाई। ये तो अति गति शक्ति है, गति शक्ति नहीं, अति गति शक्ति। 7 फरवरी को भाषण, 9 दिन बाद शिकायत करने वाले व्यक्ति अपने स्टे वापस लेते हैं, 27 फरवरी को सुनवाई शुरू होती है, 17 मार्च को रिजर्व किया जाता है निर्णय और 23 मार्च को कन्विक्शन का निर्णय, डिस्क्वालिफिकेशन का निर्णय। सब डिस्क्वालिफिकेशन का निर्णय तो आज आया है, पर कन्विक्शन का निर्णय कल यानी कि 23 मार्च को आया। तो वहीं कांग्रेस नेता राहुल गांधी के समर्थन में कई विपक्षी दल खुलकर सामने आ रहे हैं और राहुल गांधी का समर्थन कर रहे हैं। उनमें से एक हैं दिल्ली के सीएम आप प्रमुख अरविंद केजरीवाल। सारे लोगों को साथ आना पड़ेगा, ये लड़ाई राहुल गांधी की लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई कांग्रेस की लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई इस देश को बचाने की लड़ाई है। एक तानाशाह से, एक कम पढ़े लिखे व्यक्ति से, एक अहंकारी व्यक्ति से इस देश को बचाने की लड़ाई है। इस संबंध में प्रतिक्रिया देते हुए केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि भगवान के घर देर है, अंधेर नहीं। भगवान के घर में देर से ही अंधेर नहीं। राहुल जी कहते थे, दुर्भाग्य से सांसद हूं, अनफॉर्चुनेटली आई एम एन MP। सो उनको जो एक दुर्भाग्य लगता था, आज उससे भी मुक्ति मिल गई है। उनके साथ साथ वायनाड के लोगों को भी इससे छुटकारा मिल पाया। इतने लंबे समय से जो लोकसभा के सदस्य हों, ना कभी अमेठी के लिए 5 वर्षों में एक सवाल पूछ पाए, 2009 से 14 तक, और इतने वर्षों में मात्र 21 डिबेट्स में भाग लेना, तो अपने आप में दिखाता है कि वर्ष उतने हो गए लेकिन उतनी डिबेट्स में पार्टिसिपेट नहीं किया। एक भी आज तक प्राइवेट मेंबर बिल तो लाने की बात दूर, लेकिन अपनी ही सरकार में 2013 में ऑर्डिनेंस को भरे चौराहे पर फाड़ देने का काम और नॉनसेंस बोलने का काम ये श्रीमान राहुल गांधी जी ने किया। लोकसभा सचिवालय ने मानहानि मामले में 2 साल की सजा के बाद ये राहुल गांधी की सदस्यता खत्म होने का नोटिस जारी कर दिया है। लोकसभा सचिवालय ने नोटिफिकेशन में कहा है कि
सूरत के चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट की अदालत में राहुल गांधी को मानहानि मामले में 2 साल की सजा सुनाई गई है।